नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है। टैरो कार्ड्स के थ्रू आप प्रेडिक्शंस तो कर ही सकते हैं और अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं। मेरे देखे टैरो कार्ड्स जो है एस्ट्रोलॉजी से भी कुछ कदम आगे जाता है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो बेस्ड है कैलकुलेशंस के ऊपर, जिसके अंदर जो है ज़रूरी नहीं कि आपकी कैलकुलेशन सही हो या गलत हो। ऑफकोर्स आज की डेट में तो कंप्यूटर जो है आपको पूरी कैलकुलेशन करके दे देते हैं, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन आपकी उस लेवल पे होगी कि आप सही चीज़ बता सको, कुछ पक्का नहीं है। लेकिन जब हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं, इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक, बिकॉज अगर टैरो रीडर की इंट्यूशन जो है वो सही काम कर रही है, इफ़ ही इज़ वेल कनेक्टेड विद इन हिमसेल्फ, इफ़ हिज मेडिटेशन इज़ गोइंग राइट, देन ही विल बी एबल टू हेल्प द अदर पीपल वेरी ईजिली। तो टैरो कार्ड्स के थ्रू जो है आप बहुत सिंपली जो है कुछ लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट देयर टू अंडरस्टैंड इज दैट यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद द कार्ड्स एंड इट्स वेरी सिंपल वे ऑफ इंटरप्रेटिंग। एस्ट्रोलॉजी को कंपेयर करें तो इट्स ऑल काइंड ऑफ यू नो कैलकुलेशंस एंड लाइक यू हैव टू गो इनटू लाइक डीप काइंड ऑफ यू नो कैलकुलेशन एंड रिवील वॉट एक्चुअली इट मीन्स। लेकिन हम टैरो की बात करें तो इट्स जस्ट पिक्चोरियल मीनिंग्स यू नो विच आर डीप सिटिंग इनसाइड ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, दोज आर रिवील्ड। सो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट टैरो। आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, इट्स वन ऑफ द स्केरी कार्ड, इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट कार्ड्स ऑफ टैरो, बट at the same time it's also one of the beautiful cards also. 10 of swords mein jaane se pehle keywords ki baat karenge. 10 of swords ke keywords hain bad news, end of process, let go, blessed, new beginnings and pain. To agar hum pictorial mein dekhenge, pictorial mein hum dekhte hain ki ek aadmi jo ki khoon se latpat ज़मीन पे पड़ा है और उसकी पीठ में 10 तलवारें जो हैं उसकी पीठ पे खोपी गई हैं। सो इट्स ऑल्सो फीलिंग वेयर ही इज़ बीइंग चीटेड, वेयर ही इज़ लाइक डीप इनसाइड लाइक ही इज़ फीलिंग वेरी सैड एंड डिप्रेस बिकॉज समवन वेरी क्लोज हैज़ ऑल्सो समवन वेरी क्लोज हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ हिम और चीटेड हिम। दिस इज़ वन ऑफ द मीनिंग। बट we also see that there is a sunrise at the back and there is also darkness also at the same time. So let's go into the deeper interpretation of this card. So what we see is this is the last stage of pain. This card shows like we have hit the bottom and we can't go any further. Agar hum pain ki baat kare to this is the last stage of pain. And one has actually, you know, kind of completed the process of pain and he is kind of free of it now. That is what the 10 of swords is actually trying to show us here. So there is a good news actually in this card that there is no 11 of swords. The pain ends here, and because the 10 of swords is the finish, and after this it's a new beginning. That's why we see like there is a sunrise at the backside, you know, and the clouds, the dark clouds, जो रात है वो धीरे धीरे जो है वो जा रही है और जो प्रकाश है वो धीरे धीरे हो रहा है। सो वॉट इज़ हैपनिंग इन दिस प्रोसेस इज दैट दिस मैन इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ हिज मिजरी। इन फैक्ट वॉट हैज़ हैपन्ड इज लाइक ही हैज़ लिव्ड हिज मिजरी, ही हैज़ लिव्ड हिज पेन, एंड बिकॉज ही हैज़ लिव्ड दिस पेन ही इज़ जस्ट फ्री ऑफ इट। सो अनलेस अंटिल यू आर नॉट फ्री ऑफ योर पेन, दैट सिंपली मीन्स यू हैव नॉट रियली लिव्ड इट। Once you live it, the 10 of swords happen and you are kind of free of it. It's also a card of freedom. Pain ke saath ek cheez hai ki jab pain bahut ho jata hai, then a stage comes ki aap usko feel hi nahi kar sakte. Agar aapko koi chot lagi, accident hua, for example agar kabhi aapko fracture hua, to pain agar aap conscious hain uske andar, to pain itna ho jayega कि आपको एक ऐसे पॉइंट पे ले आएगा कि आप बेहोश होने लगोगे। अगर आप कॉन्शियस बने रहे और अगर आप बेहोश नहीं हुए
तो आप क्या देखोगे कि पेन तो है लेकिन यू कांट फील इट एनी मोर। इट्स समथिंग सिमिलर टू यू नो कि अगर आप कुछ ऐसा समझिए कि पेन अगर आपको शॉर्ट क्वांटिटी में दिया जाए, अगर पिंच पिंच करके दिया जाए देन यू फील इट मोर। लेकिन अगर पेन आपको जो है इकट्ठा दे दिया जाए, कोई आपको एकदम से शूट ही कर दे कोई कि एकदम से आपके ऊपर जो है एकदम से पेन जो है एक 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 वेव की तरह आ जाए, एक एक बहुत पुश की तरह आ जाए, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ जाए, सडनली यू विल नॉट बी एबल टू फील इट एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आप जानते हैं, किसी एक आदमी को जानते हैं जिसकी डेथ हो गई एंड ही वॉज यंग एंड नाउ यू कुड फील द पेन फॉर दिस पर्सन, यू नो लाइक दिस पर्सन आई न्यू हिम, यू नो ही वॉज सच अ यंग पर्सन एंड ही डाइड सो सून। लेकिन हमें अगर कोई न्यूज़ मिले जैसे हिरोशिमा नागासाकी में लाखों लोग मर गए एक बॉम्ब ब्लास्ट में, सडनली वी कांट फील इट एनीमोर। एक आदमी के लिए हम फील कर सके, लेकिन जब हम एक लाखों लोग इकट्ठे मर गए, सडनली इट्स जस्ट अ नंबर, वी कांट फील इट एनीमोर। सो पेन इज समथिंग विच ओनली यू कैन एक्चुअली रियलाइज व्हेन इट कम्स इन लाइक स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज, और जिसमें कि एक सीक्रेट छुपा हुआ है। अगर पेन जो है, अगर आप उसको उसकी क्वांटिटी जो है अगर आपकी लाइफ में बढ़ जाए, आप उससे मुक्त हो जाते हैं कहीं ना कहीं। दैट इज़ वॉट द टेन ऑफ सॉर्ट इज काइंड ऑफ पॉइंटिंग टूवर्ड्स। तो जब हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट जो है, जब उनको जो है सूली पे लटकाया गया, तो लोग देख रहे हैं, लोग सब कहीं ना कहीं जो है कमेंट कर रहे हैं उनके बारे में, लेकिन डीप इनसाइड ही इज इन काइंड ऑफ एक्सटेसी। फॉर हिम द पेन डजंट एग्जिस्ट एंड दैट इज वॉट ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन एंड एनलाइटनमेंट फॉर जीसस क्राइस्ट। टेन ऑफ सॉर्ड्स जो है अगर हम बात करें तो उसका रिलेशन जो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स से भी जाता है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स जब हम उस कार्ड के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर जो है एक सिंपली एक पॉइंट शो कर रहा है वेयर देयर इज लॉट ऑफ पेन इन वन पर्सन लाइफ। टेन ऑफ सॉर्ड में जो हम देख रहे हैं ये वो प्रोसेस है जो कंप्लीट हो रहा है जो नाइन ऑफ सॉर्ड से शुरू हुआ था, एंड नाइन ऑफ सॉर्ड इज द स्टार्टिंग ऑफ द पेन एंड टेन ऑफ सॉर्ड बेसिकली टेल्स अस दैट पेन इज एंडिंग। और बहुत बार आपको जो है इस पेन को जो आपको वो जो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी का वो जो आपको पेन मिलता है उसको एंड करने के लिए आपको थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है ताकि आप उससे फ्री हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यू ड्रिंक एंड यू ड्रिंक टू अ पॉइंट वेयर यू गेट वेस्टेड, आप पीते हो और आप पी के जो है बस एक इतना पीते हो कि बेहोश हो जाते हो एंड यू सफ़र इन द मॉर्निंग, यू डोंट लाइक इट। आप सुबह उठ के जो है परेशान होते हो, दुखी होते हो, हर बार ही सोचते हो कि नहीं करना मुझे। लेकिन एक दिन आप जो है रुके नहीं, पीते गए और इतना पिए कि आप करीबन तीन चार दिन आप अपने बेड पे ही पड़े रहे, पेन की क्वांटिटी बढ़ गई। और इस तीन चार दिन के वो जो आप वो जो बेड पे थे, यू वर फीलिंग लाइक डीप इनसाइड दिस पेन विच यू वर गोइंग थ्रू, वो पेन आपको मुक्त कर देगा, वो पेन आपको जो है कहीं ना कहीं फ्री कर देगा और शायद अब आप दोबारा ड्रिंक की तरफ देखोगे भी नहीं। सो दिस मीन्स लाइक द टेन ऑफ सॉर्ड हैज़ कम टू योर लाइफ, इट हैज़ कम टू फ्री यू। सो टेन ऑफ सॉर्ड इज अ गुड कार्ड इन द सेंस दैट इट पुट्स एन एंड टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी कम टू एन एंड। तभी ये जो एक सूरज जो पीछे से उग रहा है, इट विल ओनली मेक सेंस, वो आपके लिए तभी आपके लिए जो है मीनिंगफुल रहेगा ये सवेरा, जब आप जो है इस प्रोसेस जो है आपकी लाइफ में ये कंप्लीट हो गया है, व्हेन यू आर डन विद योर टेन ऑफ सॉर्ड्स। और मैं सभी के लिए विश करूँगा कि ये टेन ऑफ सॉर्ड्स जो है सबके जीवन में एक बार आए ताकि आपको वो मुक्ति दे जाए। बहुत अजीब सा लगेगा लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़, बिकॉज जब तक कि जो है एक चीज़ की एक्सट्रीम नहीं हो जाती तब तक जो है आप करना नहीं बंद करते। रशियन गुरु गुरजीएफ के लाइफ में एक स्टोरी है उनकी लाइफ की, उनको अमरूद खाने का बहुत शौक था और जब जब वो अमरूद खाते थे उनको पेट में दर्द होता था।
और उनके फादर उनको लगातार बोलते थे कि जब तुम्हें पेट में दर्द होता है तो तुम अमरूद क्यों खाते हो, लेकिन इट हैज़ बिकम एन अनकॉन्शियस हैबिट फॉर गुरजीर एंड ही यूज़ टू ईट। तो एक दिन उनके फादर ने डंडा लेके बैठ गए उनके सामने और एक अमरूद का पूरा जो है पूरी टोकरी रख दी कि अब इस अमरूद को सारा खाओ। और उन्होंने, क्योंकि डंडा था, मार पड़ती, और उन्होंने ज़बरदस्ती जो है सारा जो है अमरूद ख़त्म करे। उसके अगले 3-4 दिन जो है वो बीमार रहे, उल्टियाँ करते रहे, उनकी तबीयत ख़राब रही, लेकिन इस 3-4 दिन के बाद उन्होंने अमरूद खाना बंद कर दिया। अब जब भी फिर वो अमरूद देखते थे उससे दूर भागते थे। तो यही चीज़ आपको भी सीखनी है कि जब आपको कुछ चीज़ पेन देती है आपको उससे सीखना है और उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर जाना है कि वॉट एक्चुअली इट गिव्स इट टू यू सो दैट यू कैन फाइनली बी फ्री ऑफ पेन। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है 10 ऑफ सॉर्ड्स के अंदर, अगर आप देखेंगे कि ये जो आदमी है जो ये जो मरणासन्न अवस्था में जो है नीचे पड़ा हुआ है खून से लथपथ, उसके हाथ में एक मुद्रा बन रही है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये मुद्रा क्या है? ध्यान से देखेंगे तो ये मुद्रा जो है आपको मिलेगी कार्ड ऑफ हीरोफेंट के अंदर, जिसमें जो हीरोफेंट जो है वो ब्लेस कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को। इन दिस प्रोसेस ऑफ हीरोफेंट जो है अपने स्टूडेंट को ब्लेस कर रहा है, बैप्टाइज कर रहा है उस प्रोसेस के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वही सेम मुद्रा जो है इसके अंदर जो है इस आदमी के हाथ से बनी हुई है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिम्बॉलिकल, एंड दैट सिम्बॉलिकल मीन्स दैट ही इज़ बीन ब्लेस्ड, दैट ही इज़ फाइनली बीन बैप्टाइज, दैट फाइनली यू नो ही हैज गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन एंड इज डन विद द पास्ट, ही इज़ डन विद द नेगेटिविटी ऑफ द लाइफ, एंड नाउ देयर इज ऑल विच इज़ लेफ्ट इज पॉजिटिव। वो जितना नीचे जा सकता था वो जा चुका है, अब एक ही जगह जाने की बची है, वो है ऊपर। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स अगर आपकी रीडिंग में आता है तो वो आपको कहता है हिम्मत रखिए, और साथ में वो आपको ये भी बोलता है कि दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम ऑफ कमिंग आउट ऑफ योर कर्मा, ऑफ कमिंग आउट ऑफ योर नेगेटिविटी विच यू हैव कैरीड फ्रॉम योर पास्ट। This is a beautiful time where the process will be completed. जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि 7.5 जो है कि बहुत एक डिफ़िकल्ट पीरियड होता है, आप ये समझिए कि 10 ऑफ सॉर्ड्स में जो है वो हमें ये बता रहा है कि जो 7.5 का जो टाइम है वो आपका ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ द वे यू नो वी शुड लुक एट द टैरो कार्ड। हम अक्सर जो है बहुत सारे टैरो रीडर्स जो हैं इस तरह से देखते हैं कि इसके अंदर नेगेटिविटी देखते हैं, और टैरो को जो है दो हिस्सों में बांट दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन मेरे देखे जो नेगेटिव है दे आर जस्ट लर्निंग्स, दे आर ऑल्सो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, वो सबके जीवन में होता ही होता है। आप नेगेटिव को इग्नोर नहीं कर सकते, आप नेगेटिव को एक्सेप्ट कर सकते हो एंड इट बिकम्स अ टीचिंग फॉर यू, दैट इज़ वॉट वी डू इन आर्ट एंड टैरो। तो आशा करता हूँ आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स की रीडिंग पसंद आई होगी, और मैं आपको मिलूँगा अपने नए टैरो कार्ड के साथ अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, नमस्ते।